चयन की शिक्षक बहाली आरंभ हो इसके लिए अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगातार वह शिक्षक नियुक्ति की मांग कर रहे हैं कि सातवें चरण का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए। लेकिन आप लोग जानते हैं कि सातवें चरण की जो शिक्षक बहाली है उसमें बहुत बड़ी बाधा जो थी वह था सिक्स फेज, और दूसरी जो बड़ी बाधा थी वह थे कोर्ट केसेस। तो अब कोर्ट केसेस में किस तरह से सरकार पर्दे के पीछे से काम कर रही है, क्या सरकार की मंशा साफ है सातवें चरण की बहाली को स्टार्ट करने के लिए, इन सारी चीज़ों पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पटना कोर्ट के जजमेंट की भी बात होगी और साथ ही जो बिहार टीईटी की बात चल रही है उसके लिए भी ज्ञापन वगैरह सौंपे जा रहे हैं डीईओ को, वह सारी चर्चाएं भी इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थियों के बारे में भी बात होगी, नोटिफिकेशन को लेकर अभ्यर्थियों ने जो आत्मदाह की बात कही है उसके बारे में भी हम चर्चा जरूर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिहार एसटीईटी कोर्ट केसेस के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब एसटीईटी 2019 की ऑनलाइन मोड में परीक्षा हुई थी साल 2019 में, तो उस समय बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिनके जो गलत विकल्प वगैरह दिए गए थे और बाद में उसका रेक्टिफिकेशन भी नहीं हो पाया था, तो उसी मामले को लेकर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, जहां कोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को स्पष्ट कर दिया है कि जो भी आप एसटीईटी परीक्षा ली गई है उसमें नियुक्ति जब की जाएगी तो उससे पहले कोर्ट से सहमति लेनी होगी, कोर्ट के निर्णय पर ही यह जो बहाली प्रक्रिया है वह निर्भर होने वाली है। साथ ही पटना हाईकोर्ट ने बीएससीबी को हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जो सीनियर सेकेंडरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि एसटीईटी जिस नाम से हम लोग जानते हैं, उसमें बीएससीबी द्वारा गलत उत्तर का विकल्प के रूप में देने के मामले में सुनवाई हुई आज, और जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने नितिन कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया है। तो साथ ही आपको यहाँ बता दें कि ये जो सरकार है, देखिए पहले तो ये बहाना बनाती थी कि जो सिक्स फेज़ है उसको पूरा होने दीजिए, हालांकि सिक्स फेज़ की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बहाली को सरकार ने अभी भी अटका के फंसा के रखा हुआ है, लेकिन जो प्राथमिक शिक्षक बहाली थी 1-8 की एलिमेंट्री बहाली थी वह शिक्षक बहाल होकर विद्यालय में योगदान भी दे चुके हैं। तो सरकार को कोई ना कोई दूसरा बहाना ज़रूर चाहिए था, क्योंकि सरकार इतनी जल्दी नई बहाली का नोटिफिकेशन जारी करने के मूड में नहीं लग रही है। तो इसलिए अब देखिए इन सारे केसेस की सुनवाई होगी जिससे बहाली पर स्टे लगे, जिससे बहाली स्थगित हो और जिससे बहाली जो है और ज़्यादा डिले होती जाए, अगले जो इलेक्शन आएंगे विधानसभा के वहाँ तक सरकार इस बहाली प्रक्रिया को ले जाए। इस तरह के कोर्ट केसेस की सुनवाई अब आपको देखने को मिलेगी। कोई भी ऐसा कोर्ट केस नहीं होगा जिसमें आपको ऐसे कोर्ट केस, क्योंकि एसटीईटी मामले में कई सारे केसेस हैं, कोई एक केस नहीं है, कोई भी ऐसा केस जिसमें एकदम से फैसला आ जाए, चाहे सीधी नियुक्ति की बात हो, नोटिफिकेशन जारी होने की बात हो, इस तरह के किसी भी केस की देखिए सुनवाई नहीं होगी, इतना आप लोग समझ लीजिए। तो कोर्ट को जो अधिवक्ता है रितिका रानी, उन्होंने कोर्ट को बताया कि 21 सितंबर 2020 को बीएससीबी ने एसटीईटी परीक्षा जो ली थी इसमें कई प्रश्नों के उत्तरों में जो विकल्प थे, जो ऑप्शन थे, उनको गलत दिया गया था। तो इस प्रकार की गड़बड़ियाँ होने के कारण बहुत सारे उम्मीदवारों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। कंप्यूटर साइंस में 1673 पदों पर नियुक्ति होनी है, तो इस मामले पर आगे अब सुनवाई की जाएगी। याचिकाकर्ता की अधिवक्ता हैं रितिका रानी, इन्होंने बताया कि बीएससीबी के समक्ष उम्मीदवार ने 7 गलत विकल्प प्रस्तुत किए थे, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इन गलतियों को अनदेखा कर दिया। तो ये कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये केस किया था, जिसमें जो संख्या है प्रश्न संख्या 4, 50, 85 आदि जो प्रश्नों के विकल्प थे वह गलत थे, तो उसी चीज़ को लेकर ये सुनवाई आज हुई थी। तो देखिए कोर्ट ने अभी जो है इस पर हलफनामा दायर करने के लिए कहा है बीएससीबी को, और वहीं बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से अभी रोका है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अभी जो सातवें चरण की शिक्षक बहाली होनी है उस पर कोर्ट द्वारा स्टे लगा दिया गया है। तो देखिए 7 फेज की शिक्षक बहाली को रोकने के लिए सरकार तो पूरी तरह से पर्दे के पीछे से काम कर ही रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो बिहार टीईटी की लगातार मांग करके इस बहाली प्रक्रिया को और भी ज़्यादा डिले करने में लगे हुए हैं, क्योंकि सरकार इसी तरह से कोर्ट के द्वारा स्टे लगवाती रहेगी बहाली पर, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि बिहार टीईटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा एकदम से, और बिहार टीईटी का होने का मतलब है कि 3-4 साल आप आराम से मान लीजिए टीईटी परीक्षा होती है, तो उसमें धांधलियाँ इसी तरह की होंगी, कोर्ट केसेस होंगे, इत्यादि सारी चीज़ होंगी जिनकी चर्चा हम पहले भी हम अपनी वीडियो में कर चुके हैं, तो इसको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझने वाले समझ चुके हैं, जो नहीं समझ रहे हैं। देखिए खगड़िया जिले से ये जो खबर है प्रकाशित हुई थी कि प्राथमिक शिक्षक बहाली को ले टीईटी अभ्यर्थियों ने डीईओ को सौंपा मांग पत्र। तो सातवें चरण की प्राथमिक शिक्षक बहाली को लेकर टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की जिला इकाई ने सोमवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी को मांगों से संबोधित ज्ञापन भी सौंपा है।
तो इसमें प्राथमिक शिक्षा रिक्तियों का आकलन कोटिवार नियोजन इकाई द्वारा कक्षा 1 से 8 तक कराया जाए, यानी कि 1 to 8 में भी जो बहाली हो 7वें चरण की, उसका नोटिफिकेशन जारी होने को लेकर अभ्यर्थियों ने DEO को मांग पत्र सौंपा था। वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को बता दें कि साल 2013 में जो बिहार में स्पेशल उर्दू TET बांग्ला की परीक्षा हुई थी, उनका भी आज तक मामला जो है अटका हुआ है। उर्दू TET अभ्यर्थियों का राजभवन मार्च 23, यानी कि कल 23 मार्च को होने वाला है, और बिहार उर्दू बांग्ला TET उम्मीदवार द्वारा 23 मार्च को यानी कल राजभवन मार्च किया जाएगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी अभ्यर्थियों को फेल कर दिया गया है, इसलिए शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव भी ये लोग कल करने वाले हैं। तो देखिए 2013 से ये मामला अभी तक चल ही रहा है, लगभग 10 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन इन अभ्यर्थियों की बहाली भी आज तक पूरी नहीं हो पाई है। तो इन्हीं तरह के बहुत सारे कोर्ट केसेस हुए थे, ऐसे सर्टिफिकेट लेने को लेकर, फिर दोबारा से मार्कशीट जारी हुई थी, 2-3 बार जो है BSEB ने मार्कशीट जारी की थी। तो इस तरह की चीज़ें पहले भी जो है बिहार में हो चुकी हैं TET परीक्षा को लेकर, और एक बार फिर से सरकार इसी तरह से अभ्यर्थियों को मजबूर कर रही है कि बहुत सारे कोर्ट केसेस पहले तो चला दिए गए हैं STT मामले में, उसके बाद फिर ये जो बिहार TET है इसकी मांग भी अभ्यर्थियों के मन में जो है चल रही है कि इसका भी सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है, भूख हड़ताल आत्मदाह तक की धमकियाँ मिल रही हैं। तो सरकार तो यही सब चाहती है कि इस तरह से अभ्यर्थी जो है बिहार TET की मांग करें, कोर्ट केसेस में लंबा समय बिताएं, और उसके बाद सरकार को बहाली को डिले करने का मौका जो है मिलता रहेगा। कल अगर सोमवार की बात करें तो CTET और बिहार TET पास अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर एक अभियान भी चलाया था। अभ्यर्थियों ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा नियोजन के 6ठे चरण की प्रक्रिया तो समाप्त हो गई है, लेकिन इसके बाद भी 1 लाख से अधिक CTET और BTET पास अभ्यर्थियों का नियोजन नहीं हो पाया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नियोजनवाद की जो प्रक्रिया है उसमें समय तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका चयन बहुत ही कम हो पाता है। तो इसीलिए CTET BTET पास अभ्यर्थी संघ ने जो है ये भूख हड़ताल सोशल मीडिया पर मुहिम के जरिए अपनी मांग रखने में जो है अभ्यर्थी लोग जुटे हुए हैं। तो इस तरह के अभियान भी देखिए अब तो फेल ही आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि सरकार अब 7th phase को और ज़्यादा टालने की पूरी तरह से मूड में है, कोर्ट ने स्टे लगा दिया है जब तक हलफनामा दायर नहीं हो जाता। दूसरी तरफ हमने एक खबर आपको दिखाएंगे जिसमें कम्युनिटी सेक्शन में हमने डाली थी, जहां लिखा है कि नोटिफिकेशन हो जारी नहीं तो करेंगे आत्मदाह। तो CTET BTET पास अभ्यर्थी हों चाहे STET अभ्यर्थी हों, सभी 7वें चरण की मांग को लेकर सचिवालय दौड़ रहे हैं, शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री सबसे जो ये दरख्वास्त करने में लगे हैं कि 7वें चरण की शिक्षक भर्ती की जो विज्ञापन है, जो विज्ञप्ति है, उसकी घोषणा कर दें। हालांकि आज बिहार दिवस के दिन भी अभ्यर्थियों को यह आशा थी कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनके द्वारा कोई ना कोई ऐसी घोषणा की जा सकती है 7th phase की बहाली को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि एक जो नेगेटिव न्यूज़ हम कह सकते हैं अभ्यर्थियों तक पहुंची है, जिसमें इस बहाली प्रक्रिया को अभी बिल्कुल पूरी तरह से रोक दिया है, संशय में डाल दिया है। तो STET मामले में अभी बहुत सारे कोर्ट